हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये फ्रेम बनाना बताऊंगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये फ्रेम कैसे बनाते हैं, इसको घर पे इसको किस तरह से बनाना है और इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए, इस फ्रेम से मैंने कई सारी चीजें बना रखी हैं, जैसे फ्रिज कवर है, ये इस तरह से, और ये भी मैंने छोटे छोटे सैंपल्स बना रखे हैं, और ये सब मैंने आपको अपने वीडियोस में बनाकर बताए हुए हैं। ये देखिए, तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। आप पहले अपने आपको जिसका भी कवर बनाना है, ये जैसे फ्रिज का या टेबल का या टीवी का, जिसका भी कवर बनाना है, आप उससे 2 या 3 इंच ज्यादा एक्स्ट्रा वुड रखिएगा, ये लकड़ी। जैसे आपका फ्रिज 24 इंच का है तो आप 28 इंच की ये इस तरह की स्टिक ले लीजिएगा। ये देखिए, स्क्वायर शेप की है ये, इस तरह से, और आप उनको इस तरह से फ्रेम बना लीजिएगा। जैसे ये मेरी 2 स्टिक 11 इंच की है, ये देखिए 11 इंच की है, और ये दोनों स्टिक 10 इंच की है, ये देखिए 10 इंच की। अब हम जो हमारे 11 इंच की स्टिक है उनको हम इस तरह से रखेंगे, और जो 10 इंच की स्टिक है उनको हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, और इसमें हम यहां से ये कील इस तरह से ठोक देंगे, ये यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से करके मैं इसे ठोक देती हूँ, और सारी कीलों को, जैसे ये हमारी स्टिक यहाँ से है तो हम इसको इधर से कील ठोकेंगे, इसको भी हम इधर से कील ठोकेंगे, और उधर से भी हम इसी तरह से कील ठोकेंगे। इस तरह से मैं कील ठोक लेती हूँ इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ से जोड़ लिया है ये इस तरह से। अब हम इसमें निशान लगाएंगे, 1-1 इंच की दूरी पे कीले लगाएंगे हम इसमें। और प्लीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे आने वाले नए नए वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए इस तरह से इसमें कीले कैसे लगाएंगे। जैसे ये अपने यहाँ पे इधर 10 इंच पे मार्क्स लगाया है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे, फिर हम इधर से भी इसके सामने वाले स्टिक को भी 10 इंच पे ही मार्क्स लगाएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे, फिर हम इसकी लंबाई लेंगे, ये वाली और ये वाली स्टिक बराबर होनी चाहिए, और ये भी बराबर होनी चाहिए। हमारी ये वाली 11 इंच की 11 इंच लंबाई है इधर से, इसको भी 11 इंच पे मार्क्स लगा लेंगे, और इसको भी 11 इंच पे मार्क्स लगा लेंगे।
अब हम ये इसके एक एक इंच पे निशान लगा लेंगे। चारों साइड हम इसी तरह एक एक इंच पे निशान लगा लेंगे और एक एक इंच की दूरी पे कीले लगा लेंगे। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स लगाए थे चारों कोने पे, तो पहले हम इधर चारों कोने पे अब हम ये एक एक इंच की दूरी पे, ये देखिए यहाँ पे एक एक इंच की दूरी पे ये सभी में कीले लगा लेंगे और इसी तरह से हमारा फ्रेम बन जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।